हम जो सबसे पहले पहले यहाँ पर डिस्कशन करेंगे वो हमारे जो स्टेटमेंट वाले क्वेश्चंस हैं वो हमने डिटेल से डिस्कस नहीं किए थे, वो डिस्कस कर लेते हैं। बाकी आई होप कि आप लोगों को इस ये क्वेश्चंस आप लोगों से अब हल होना शुरू हो जाएंगे। अगर अभी तक आप लोगों ने नहीं किए तो करना स्टार्ट कर लिया होगा, ठीक है? तो इसको करें, कोई मसला नहीं है। आप में से काफी बच्चे हैं जो मुझे स्नैप भेज रहे हैं, कोड भेज रहे हैं, तो वो भेजें और पूछें जो भी चीजें पूछनी है। मैं उनको कोशिश करूंगा कि विद इन 2-3 आवर्स उसको रिप्लाई दे दिया करूँ, ठीक है? ओके जी, एप्लीकेशन बेस्ड प्रोग्राम। अब देखिए एप्लीकेशन है ना, ये चीज जहन में बिठा है। कोई भी आप लैंग्वेज सीखते हो, कुछ भी चीज सीखते हो, जब तक उसकी एप्लीकेशन नहीं है ना उसका कोई फायदा नहीं, ठीक है? तो मैंने ये एप्लीकेशन बेस्ड प्रोग्राम जानबूझ के इंट्रोड्यूस किए हैं। आप जब खूब पढ़ोगे, अगर मेरे से आपने वो पढ़ी, तो मैं आपसे एक प्रोजेक्ट बनवाऊंगा, ठीक है? एक रियल टाइम प्रोजेक्ट बनवाऊंगा, C++ में नहीं, किसी और लैंग्वेज में। फायदा उसका ये होता है कि जो मेरे बच्चों को जो वो पढ़ते हैं उनको फायदा ये होता है, उनको चीज की एप्लीकेशन समझ में आती है। तो आप लोग जब चीज को प्रैक्टिकली अप्लाई नहीं कर सकते तब तक उसका फायदा ही नहीं है, ठीक है ना? तो ये कोड देने का मतलब सिर्फ ये है कि ये जो प्रोग्राम देने का मतलब सिर्फ ये है कि आपको पता चले कि अभी तक जो प्रोग्रामिंग आपने की है उसका क्या फायदा है। जैसे मैं मिसाल दूं, जब मैं आप लोगों की लेवल पे था, मैं प्रोग्रामिंग को कैसे यूज करता था, मैं छोटे छोटे प्रोग्राम बनाया करता था। मैं क्या करता था, मैं ना ये जो आपके पास सी प्रोग्राम जो आप लोग लिखते हो इसकी एक एक्सी फाइल बनती है, .exe फाइल, ब्लैक स्क्रीन जो हम चलाते हैं, जो डेव है ना, डेव के ये प्रोग्राम है, इसकी एक्सी फाइल बनती है ऐसे। तो ये ऐसे वाले प्रोग्राम बनते हैं, ठीक है? तो खैर, ओके जी, तो ये जो एक्सी फाइल बनती है ना, ये एक्सी फाइल, बात कर दे भाई। अब ये जो फाइल है, ये एक्सी फाइल मैंने प्रोग्राम क्या बनाया था, मैंने प्रोग्राम बनाया था कि बर्थडे के लिए। अब उसमें होता ये था कि जो बर्थडे आपका होता था ना, तो लेट सपोज मेरे जो जितने भी रिश्तेदार हैं, अब उनके दिसंबर में किसका बर्थडे है, जनवरी में किसका बर्थडे है, फरवरी में किसका बर्थडे है, तो मैं उसमें मंथ एंटर करता था, वो मुझे बर्थडे बताता था। हालांकि ये प्रोग्राम आप भी कर सकते हैं, इसमें कोई मसला नहीं है, बट मैंने इसकी छोटी सी एप्लीकेशन बनाई थी। अब मुझे फायदा इसका ये होता था, जब मैं अपनी ग्रेजुएशन कर रहा था 2009 में, तो उस वक्त तो जाहिर सी बात है ये सिस्टम नहीं था, मतलब ये मोबाइल फोन ज्यादा इतने ज्यादा हैं तो थे तो सही, पर इतने ज्यादा रिच नहीं थे जितने अभी हैं, और जाहिर सी बात हर बंदा अफोर्ड भी नहीं कर सकता था। तो मैं क्या करता था, अपने पास ना ये रखा होता था मैंने ये प्रोग्राम, और जब भी मैं वेला बैठा होता था तो मैं देख लेता था कि यार इस मंथ मेरे किस किस के बर्थडे हैं ताकि मैं विश कर सकूं। तो मुझे मेरे जो जितने भी रिश्तेदार होते थे वो कहते थे यार आपको तो सबके बर्थडे याद होते हैं, वो असल में मेरे पीछे कहानी चलाई होती थी। उसके बाद जब मैंने थोड़ा सा और आगे प्रोग्रामिंग पढ़ी, कुछ आगे कोर्सेस पढ़े, तो फिर मैंने एक छोटी सी एप्लीकेशन बनाई। अब ये कंसोल एप्लीकेशन बनाई थी, ये जो आपको जो इतना कलरफुल स्क्रीन दिखने में आ रहा है ना, ये इसको कहते हैं ग्राफिकल यूजर इंटरफेस, GUI। मुझे GUI नहीं आती थी क्योंकि मैंने भी आपकी तरह अभी C++ पे ही काम कर रहा था, कंसोल पे ही, तो मैं कंसोल बेस ही प्रोग्राम बनाए थे सारे। और वो मैंने, मेरे अपने अंकल हैं वो, उनके खाते होते थे, आप लोगों ने देखे होंगे कि गांव में ना खाते होते हैं जिस पे रजिस्टर पे वो लिखते होते हैं कि इसका ये हिसाब है, इसका ये है, वो सारा हिसाब किताब मैंने उनको ऑटोमेटेड कर दिया। वो अभी भी यूज करते होते हैं उसको, अब तो खैर मैंने उसको थोड़ा सा मॉडिफाई कर दिया, बट वो अभी भी यूज करते होते हैं। तो आप अपने इर्द गिर्द छोटी छोटी एप्लीकेशन देखें, जब तक आप उनको उस एप्लीकेशन में इस्तेमाल नहीं करेंगे तब तक ऐसी चीजों का कोई फायदा नहीं है, ठीक है? अब ये एप्लीकेशन है लूप्स की। अब ये एप्लीकेशन क्या है, ये चीज शायद मैंने आपको बताने की ट्राई की थी बट मैं बता नहीं पाया, इसको डिटेल से डिस्कस करते हैं। देखें आप लोग कैलकुलेटर में एंटर करते हो 45 या 30 या कोई भी नंबर एंटर करते हो, वो आपको उसका कॉस निकाल के देता है। आप लिखते हो कॉस 45, वो आपको कॉस 45 का जवाब देता है, साइन 45, साइन 35, लॉगरिथम निकालते हो लॉग करके और ln करके, नेचुरल लॉगरिथम ln और लॉग LOG, दोनों तरीके से आप लॉग निकालते हो, ठीक है ना, किसी भी वैल्यू का। तो बेसिकली क्या उसके पीछे हमने लिखा होता है कि लॉग ऑफ 2 = इतने होता है, लॉग ऑफ 3 इतने, नहीं हमने ऐसे नहीं किया होता, हमने उसके पीछे एक सीरीज लगाई होती है। क्या मतलब सीरीज लगाई होती है, अगर हम ये कॉस की बात करें तो ये कॉस जो है जब हम लिखते हैं ना कॉस 45, तो एक्स की जगह 45 आ जाता है और इस पूरी सीरीज में ना 45 नजर आ रहा होता है, ठीक है? तो जहां जहां पे एक्स लिखा होता है वो रिप्लेस हो जाता है 45, ठीक है? और वो कैलकुलेशन होती है सीरीज की, जैसे आप लोगों ने ऊपर भी कैलकुलेशन की है सीरीज,
ठीक है ना। अब ये सीरीज एंड टाइम चल रही है, ये सीरीज कितनी दफा चल रही है, ये सीरीज इनफाइनाइट टाइम चल रही है, इनफाइनाइट टाइम, ठीक है। अभी इसको इनफाइनाइट रखते हैं, फिर इसको डिस्कस करते हैं। तो इसका मतलब ये हुआ कि जो हम वैल्यू x की देंगे वो इधर रिप्लेस हो जाएगी, ठीक है। x का क्यूब आएगा, स्क्वायर आएगा, और फिर इसका 4 आएगा, इधर 2 का फैक्टर उसको डिवाइड होगा, इधर 4 का फैक्टर होगा, इस तरह से अगला जो होगा x पावर 6 डिवाइड बाय 6 फैक्टोरियल, फिर उससे अगला जो होगा वो होगा x पावर 8 डिवाइड बाय 8 फैक्टोरियल, इस तरह से ये आगे बढ़ती जाती है। अब इसमें एक मसला है, मसला ये है कि ये इनफाइनाइट टाइम सीरीज तो नहीं चल सकती। मैं आपको कहूं कि ये लूप इनफाइनाइट चलाएं, वो तो चलता रहेगा, हम प्रैक्टिकल लाइफ में तो इनफाइनाइट नाम की कोई चीज नहीं होती। अब इसका हल ये है कि आप इसको नंबर ऑफ आइट्रेशन चला के देखें कि ये 10 दफा चला के देखें क्या होता है। जब आप ये जो सीरीज है 10 दफा चला के देखेंगे ना, तो लेट सपोज आपके कैलकुलेटर में cos 45 की वैल्यू आती है 0.5 मिसाल के तौर पे, तो आप इस सीरीज से कैलकुलेट करोगे ना, उससे भी जवाब निकलेगा, पर वो जवाब उससे मिलता नहीं होगा एग्जैक्टली 0.5 जवाब नहीं आएगा, उसमें शायद निकला है 0.6 या 0.4, इस तरह से निकलेगा। फिर आप उसकी आइट्रेशन को कम ज्यादा कीजिएगा। ये जो सीरीज है ना, पहले आपने 10 दफा चलाई थी, अब इसको 20 दफा चला के देखें, 50 दफा चला के देखें, 100 दफा चला के देखें, देखें जवाब किस पे सही आता है। जिस पे आपका जवाब सही आ जाए, इसका मतलब है वो नंबर ऑफ आइट्रेशन आपने चलानी। मतलब मैंने इसमें लिखा हुआ है कि आप इसको ट्राई करें कि ये सीरीज जो है ना, अब फर्ज करें ये जो सीरीज ऊपर वाली है, ये लॉगरिथम का जवाब देती है सही जब आप इसको 10 दफा चलाते हैं, ठीक है, ये मिसाल दे रहा हूं, तो आप इसको 10 दफा चलाएंगे, ठीक है ना। आपने इसको 10 दफा चला के देखा, 20 दफा चला के देखा, 50 दफा चला के देखा, आपने क्या किया, लॉगरिथम निकाला कैलकुलेटर में और लॉगरिथम निकाला इधर, और देखा कि इसका जवाब कहां पे सही आता है। इसमें ये लिखा हुआ है कि x की वैल्यू जो है ना ग्रेटर देन हाफ से होनी चाहिए इस प्रोग्राम में, तो x की वैल्यू अगर हाफ से बड़ी होगी तो ये प्रोग्राम सही वैल्यू देगा। तो आपने ये क्या करना है, ये डिफरेंट वैल्यूज को ट्राई करना है, पहले इसी चीज को 10 दफा चला के देखना है, फिर इसी चीज को 50 दफा चला के देखना है, और आपने जो एंड पे प्रोग्राम सबमिट कराना है जो बोनस क्वेश्चंस में, वो करवाना है जिस पे आपकी वैल्यू बिल्कुल सही आ रही है, ठीक है ना। अगर आपने cos 45 कैलकुलेटर से निकाला है और आपने cos 45 इससे निकाला है, तो दोनों की वैल्यू कंपेयर करें किस में ज्यादा एक्यूरेट आ रही है, एग्जैक्ट शायद ना आए बट उससे मिलती जुलती आएगी, ठीक है ना। तो बेसिकली ये सीरीज पीछे जो है ना, टेलर सीरीज, ये असल में उसके पीछे चल रही थी, ठीक है ना। तो ये तीनों प्रोग्राम जो है, ये क्वेश्चन 1 है 2 है 3 है, इसमें यही कहानी है कि ये लॉगरिथम कैलकुलेट कर रहा है, ये कॉस फंक्शन कैलकुलेट कर रहा है और ये साइन फंक्शन कर रहा है, ठीक है। तो इसको एक दफा आप लोग चला के देखिएगा कि ये किस पे वैल्यू सही देती है। हमने असल में करना ही होगा कि जो वैल्यू हम इधर रखेंगे वो एक्स वहां से रिप्लेस हो जाएगा, क्लियर क्लियर स्टूडेंट्स? जी सर। ओके, तो अगला जो क्वेश्चन है वो क्वेश्चन है आपके पास, अब कितने स्टूडेंट हो गए वैसे, अब स्टूडेंट हो गए हैं 2707 हो गए, ठीक है, बहुत है। अच्छा जी, अब एक और एप्लीकेशन है, और वो ये है कि आपकी जो लेवल ऑफ इंटेलिजेंस है ना, वो कैलकुलेट होती है, जी ले जाओ बेटा, वो कैलकुलेट होती है इस फार्मूला के तहत। अब ये वाई और एक्स क्या है, ये कुछ भी हो सकता है, कोई भी ह्यूमन पैरामीटर लाइक ब्रेन साइज, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स की क्वालिटी है, वगैरह 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 वगैरह, कुछ भी हो सकता है, एक्स और वाई की वैल्यू कुछ भी हो सकती है। अब ये कहता है कि राइट ए प्रोग्राम व्हिच विल प्रोड्यूस ए टेबल, ये मैं क्वेश्चन नंबर 4 कर रहा हूँ, ठीक है। आपने एक इंटेलिजेंस लेवल जो है पर्सन की कैलकुलेट करते हैं, वो करते हैं इस फार्मूला के तहत। अब ये कहता है कि आपने करना ये है कि वाई की वैल्यू को 1 से लेकर 6 तक वेरी करना है, और एक्स की वैल्यू को 5.5 से 12.5 तक वेरी करना है विद स्टेप ऑफ 0.5, और आपने आई वैल्यू को कैलकुलेट करना है। मतलब इन सारी वैल्यूज पे आपने आई की वैल्यू को कैलकुलेट करना है। क्या मतलब? मतलब ये होगा कि आप दो लूप लगाएंगे, लूप वन जो है वो क्या करेगा, वो चलाएगा आपकी वाई की वैल्यू को, और वाई की वैल्यू कहां से लेके कहां तक, वाई होगा आपका 1 से लेके 6 तक। अब ये लूप कैसे लगाएंगे, वो सिंपल है, आपको बताया कि लूप कैसे लगता है। उसके अंदर एक और लूप लगाएंगे, लूप टू, और वो होगा एक्स का। स्टार्ट कहां से होगा, 5.5 तक, और जाएगा कहां तक, 12.5 तक। और स्टेप्स कितने होंगे इसमें, स्टेप्स मतलब जो इंक्रीमेंट आप प्लस वन का कर रहे हैं, अब इसमें प्लस वन का इंक्रीमेंट नहीं करेंगे, इसमें 0.5 का इंक्रीमेंट करेंगे, ठीक है। और फिर क्या करेंगे, फिर आप ये आई की जो वैल्यू है
ये फार्मूला के तहत कैलकुलेट करेगी। अब इसमें होगा क्या, मिसाल के तौर पे जब x की वैल्यू आपके पास आ रही है, लेट सपोज वन, सॉरी y की वैल्यू जब आपके पास आ रही है 1 और x की वैल्यू लेट सपोज आपके पास पहली दफा लूप चलेगा तो 5.5 होगा, तो उस पे आपने i की वैल्यू निकालनी है, ठीक है, जो भी निकल दिया। इसी तरह से आपके पास अगली वैल्यू y की जो 1 ही होगी और x की वैल्यू में क्या होगा, 0.5 का इजाफा होगा, ठीक है, x की वैल्यू क्या हो जाएगी 6 हो जाएगी, और उस पे भी आपने i की वैल्यू निकाल के प्रिंट करनी है। ऐसा एक टेबल नजर आएगा आपको, ठीक है ना, ये टेबल आपने प्रिंट करना है, ठीक है ना। अब ये क्वेश्चन मार्क का मतलब है कि आई की वैल्यू कोई आपने निकालनी है उस फार्मूला के तहत। इस तरह से ये काम चलता जाएगा जब तक वैल्यू वाई की 1 होगी और एक्स की वैल्यू क्या हो जाएगी 12.5 पे क्या होगा, आई की वैल्यू आप जो भी निकलेगी वो निकल जाएगी, जो भी निकलेगी उसके बाद अब क्या होगा, वाई में इजाफा होगा, वाई की वैल्यू 2 हो जाएगी और एक्स की वैल्यू फिर से कहां से स्टार्ट होगी, 5.5 से, और ये लूप फिर से चलेगा, बार बार चलता जाएगा, ठीक है ना। फिर वाई की वैल्यू 3 होगी, फिर 4 होगी, फिर 5 होगी, फिर 6 होगी, इस तरह से ये काम चलता है। तो आपने दो लूप लगाने हैं, एक से लेके छह तक, उसके अंदर नेस्टेड लूप एक और लगाना है, और ये सारे कॉम्बिनेशन निकाल के आपने आई की वैल्यू को कैलकुलेट करना है। इस तरह से आपको एक टेबल बनाना है, ठीक है, ये प्रोग्राम में आपने ये काम करना था जी। एनी इशू? जी बच्चों, किसी को कोई प्रॉब्लम इसमें? नो प्रॉब्लम, चलिए आगे बढ़ते हैं। और आगे अगला क्वेश्चन जो आपका है, आपको मेरी आवाज तो आ रही है ना? जी सर आ रही है। यस सर आ रही है। ओके ओके ओके। अगला क्वेश्चन है पाइथागोरियन ट्रिपल्स। अब ये क्वेश्चन मैंने आपको असाइनमेंट में दिया हुआ है, इसमें आपने करना क्या है, ये असल में बिल्कुल चौथे क्वेश्चन जैसा ही है। आपने ये कहता है ए राइट एंगल ट्रायंगल कैन हैव ए साइड दैट आर ऑल इंटीजर। कहता है एक राइट एंगल ट्रायंगल है जिसके तीन साइड होती हैं। आपको पता है ट्रायंगल की तीन साइड्स होती हैं, और राइट एंगल ट्रायंगल में तीन साइड्स कौन सी होती हैं, हाइपोटेन्यूज, परपेंडिकुलर और बेस। ये अगर आपको नहीं भी बता दो तो मैं बता रहा हूँ, ठीक है ना। ए सेट ऑफ थ्री इंटीजर वैल्यू ऑफ साइड ऑफ राइट एंगल इज कॉल्ड पाइथागोरियन ट्रिपल। ये जो हाइपरटेन्यूज, परपेंडिकुलर और बेस है ना, इनको हम कहते हैं पाइथागोरियन ट्रिपल्स। इनको पाइथागोरियन ट्रिपल हम क्यों कहते हैं, क्योंकि ये पाइथागोरस थ्योरम को ओबे करते हैं। और पाइथागोरस थ्योरम अगर आपको याद नहीं है तो मैं याद दिला देता हूं। पाइथागोरस थ्योरम कहता है कि हाइपरटेन्यूज स्क्वायर इज इक्वल टू बेस स्क्वायर प्लस जो है परपेंडिकुलर स्क्वायर, ठीक है, हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर इज इक्वल टू बेस स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर स्क्वायर। जो ये फॉलो करता है, जो भी ट्रायंगल ये रूल फॉलो करता है, दैट इज राइट एंगल, वो राइट एंगल ट्रायंगल, ठीक है। तो अब आप लोगों ने करना क्या है, आपने करना ये है, अब ये कहता है दीज थ्री साइड मस्ट सेटिस्फाई द रिलेशनशिप दैट सम ऑफ स्क्वायर ऑफ टू साइड, टू साइड मतलब परपेंडिकुलर और बेस का जो सम है वो आर स्क्वायर इज इक्वल टू स्क्वायर ऑफ हाइपरटेन्यूज चाहिए, हाइपरटेन्यूज के स्क्वायर, ठीक है ना, मैंने आपको बता दिया पाइथागोरस थ्योरम। अब आपने क्या करना है, आपने ये करना है फाइंड ऑल पाइथागोरियन ट्रिपल्स ऑफ साइड 1 2 एंड हाइपरटेन्यूज ऑल आर नो लॉन्गर देन 500। क्या मतलब, आपने अब डिफरेंट कॉम्बिनेशन चेक करने हैं। देखो ना, मेरे पास बेस क्या है, परपेंडिकुलर क्या है, हाइपोटेन्यूज क्या है, कोई भी वैल्यू हो सकती है। ये कहता है आप इन तीनों को एक से लेके 500 तक चेंज करते जाएं और देखें किस किस वैल्यू पे आपका जो जवाब है वो ये पाइथागोरस थ्योरम ओबे करता है। मिसाल के तौर पर आपने अगेन यहाँ पे तीन लूप लगाने होंगे, एक लूप होगा हाइपोटेन्यूज का, वो कहां से लेके कहां तक चलेगा, एक से लेके 500 तक। उसके अंदर एक और लूप लगाएंगे जो आपका होगा बेस का, वो कहां से लेके कहां तक चलेगा, 1 से लेके 500 तक। इसी तरह से तीसरा लूप होगा, वो कहां तक चलेगा, परपेंडिकुलर का 1 से लेके 500 तक, ठीक है। अब आपको एक टेबल प्रिंट नजर आएगा, कैसे, जिसमें हाइपरटेन्यूज की पहले होगी वैल्यू 1, बेस की वैल्यू होगी 1,
और परपेंडिकुलर की वैल्यू भी होगी 1। और आपने बताना है कि ये पाइथागोरस थ्योरम को ऑब्वियस अगर करना है तो उसको प्रिंट करना है वरना नहीं करना। क्या ये ऑब्वियस करता है? नहीं करता, क्योंकि बेस स्क्वायर मतलब 1 स्क्वायर प्लस 1 स्क्वायर कितना होता है 2, और 1 स्क्वायर होता है 1, तो 2 बराबर नहीं है 1 के, हेंस ये राइट एंगल ट्रायंगल नहीं है, नॉट राइट एंगल। तो बेशक आप ऐसे मैसेज प्रिंट कर दें, उसके बाद फिर एक लूप चलेगा, क्योंकि 12 लूप अभी फिक्स होगा, ये वाला लूप भी अभी फिक्स होगा, बेस भी फिक्स होगा, परपेंडिकुलर की वैल्यू जो है ना वो फिर से चेंज हो जाएगी, और वो क्या हो जाएगी 2 हो जाएगी। इस पे मजीद फिर से आपने पाइथागोरस थ्योरम लगा के चेक करना है कि जवाब क्या है। कंसोल वाली स्क्रीन नहीं शो हो रही सर, कंसोल वाली स्क्रीन शो नहीं हो रही यार, बाकी लोगों के साथ भी मसला है। प्रैक्टिस क्वेश्चन शो हो रहा है, वो नहीं शो हो रहा। क्या नहीं शो हो रहा सर? अटका हुआ है कंसोल की स्क्रीन, नहीं शो हो रहा है। ओके भी है सर, वो स्क्रीन चला चला, कोई मसला नहीं, मैं इसको बंद करके फिर से शेयर करता हूँ। ओके फिर से शेयर कर दिए, देखें अगर आप नजर आ रही है। जी सर शो नहीं हो रही। आप हो रही है शो? अब हो रही है, ऐसा तो आ गया क्या? अब आप ऐसा तो आ जाएगी सर, मुझे शो नहीं हो रही। आपको भाई ऐसा तो शो होगी ना, आपका नेट स्लो होगा मेरी तरह। ओके जी, तो मेजॉरिटी को शो हो रही है और ये वैल्यू कब तक बढ़ती जाएंगी? ये सारी सेम रहेंगी, परपेंडिकुलर वैल्यू फिर 3 हो जाएगी, फिर इसकी वैल्यू 4 हो जाएगी, और ये वैल्यू कब तक कहां तक जाती जाएंगी? जब तक परपेंडिकुलर की वैल्यू 500 नहीं होती। जैसे ही 500 होगी उसके बाद क्या होगा, आपका बेस का लूप चलेगा, उसमें इंक्रीमेंट होगा और बेस की वैल्यू 2 हो जाएगी, और परपेंडिकुलर फिर 1 से स्टार्ट होगा। इस तरह से आप ये 3 नेस्टेड लूप लगाएंगे, एक परपेंडिकुलर का, एक बेस का और एक हाइपोटेन्यूज का, ठीक है? और वैल्यू बढ़ती जाएंगी परपेंडिकुलर की, बेस की और हाइपोटेन्यूज की, और आप सारे कॉम्बिनेशन चेक कर पाएंगे, ठीक है ना? ये ऐसे ही है कि मैं आपको कहूं कि मेरे पास 3 नंबर है, मेरे पास 3 नंबर है, मेरे पास जो मेरा पासवर्ड है एटीएम का वो 4 डिजिट का है मिसाल के तौर पे। तो आप 4 बंदे हैं, आप 4 बंदे डिफरेंट डिजिट का गैस लगाएं, अगर मेरे पासवर्ड से मिल गया तो मैं आपको कह दूंगा बिल्कुल ठीक है। अब 4 बंदे हैं, पहला बंदा कहता है 1, दूसरा बंदा कहता है 1, तीसरा बंदा कहता है 1, चौथा बंदा कहता है, ठीक है? अब मैं कहता हूँ यार एक बंदा बोलता जाए, पहले वो 9 तक पहुंच जाए, फिर दूसरा बंदा बोले, ठीक है ना? तो इस तरह से डिफरेंट कॉम्बिनेशन हम चेक करते जाएंगे, और जिस कॉम्बिनेशन के साथ मेरा एटीएम का कोड मैच होगा मैं कह दूंगा बिल्कुल यही कोड है, ठीक है ना? तो यहाँ पे भी यही है, हम डिफरेंट नंबर चेक कर रहे हैं 1 से लेके 500 तक, और जिस पे हमारा ये रूल सही चलता है हम कहते हैं कि ये पाइथागोरस थ्योरम को फॉलो करता है, ठीक है? तो ये प्रोग्राम था आपका जो आप लोगों ने असाइनमेंट में सबमिट कराना है, ठीक है? कोई कंफ्यूजन इसमें? तो ट्रिपल नेस्टेड लूप लगेगा ये, जैसे इसमें लिखा भी हुआ है, ठीक है? और इसको कहते हैं ब्रूट फोर्स कंप्यूटिंग। ब्रूट फोर्स कंप्यूटिंग ऐसे ही होती है, असल में मैंने एक और सेक्शन में बताया था कि ब्रूट फोर्स अटैक होते थे पहले वेबसाइट्स पे ना। अब भी अगर आपने देखे हो तो वेबसाइट पे ना आप लिखा होगा कि आप रोबोट तो नहीं है, आपने अगर देखा हो, आप इसको क्लिक करें या ये वाली इमेज सिलेक्ट करें, आप रोबोट तो नहीं है। आप में से किसी ने देखा है ये वाला ऑप्शन? जी सर देखा है। तो ये ऑप्शन असल में ब्रूट फोर्स अटैक से बचने के लिए है। क्यों? क्योंकि ब्रूट फोर्स अटैक होता है कि पहले ये होता था, अब तो खैर नहीं हो पाता, अब तो वेबसाइट पे अगर हम 3-4 दफा गलत पासवर्ड एंटर करते हैं तो वो हमें ब्लॉक कर देती है या वो अकाउंट फिलहाल कुछ देर के लिए बंद कर देती है। बट पहले ये होता था कि वेबसाइट है ना उस पे ना एक नेटवर्किंग का कोड लिखते थे और वो होता था ब्रूट फोर्स अटैक, उसमें ना डिफरेंट कॉम्बिनेशन ट्राई करते थे। मिसाल के तौर पे मुझे अगर पता चल जाए कि आपका पासवर्ड 10 लाइनों का 10 डिजिट्स का था तो मैं क्या करूंगा, मैं एक लूप लगाऊंगा, ठीक है, और उसमें 10 किस्म के कॉम्बिनेशन बनाने की ट्राई करूंगा, ठीक है ना? पहले एक पासवर्ड रखूंगा फिर दूसरा रखूंगा और कोई ना कोई पासवर्ड आपसे मैच कर जाएगा और आपकी वेबसाइट ओपन हो जाएगी।
अब ब्रूट फोर्स अटैक से बचने के लिए ना ये रोबोट शोबोट के जो है ना ये इंट्रोड्यूस किए गए हैं, ताकि कोई प्रोग्राम लिख के एक सॉफ्टवेयर लिख के आप उसको हैक ना कर, वेबसाइट को हैक ना कर। तो खैर अब दूसरे तरीके आए हैं, हम यहाँ पे साइबर सिक्योरिटी के कोर्स नहीं पढ़ रहे, बट आपको पता होना चाहिए कि ये अटैक का मतलब क्या होता है, ब्रूट फोर्स कंप्यूटिंग हम कहते किसे। दादा आप जब एल्गोरिथम का कोर्स पढ़ेंगे पांचवे सेमेस्टर या चौथे में तब आपको डिटेल से पता चलेगा, बट थोड़ा सा आइडिया आपको होना चाहिए। ठीक है, जिसमें हम डिफरेंट कॉम्बिनेशन ट्राई कर रहे हो। अब ये छठा क्वेश्चन है फेसबुक वाला, ये क्वेश्चन हमने पहले भी डिस्कस किया होगा, आपको याद होगा मैंने आपको एक ग्रोथ वाला प्रोग्राम करवाया था कि एक शहर है ए एक शहर है बी, उनमें पॉपुलेशन ग्रोथ हो रही है, आपको याद है ये क्वेश्चन, किसी को याद है ये क्वेश्चन हमने किया था, एक शहर में ए पॉपुलेशन है एक शहर में बी पॉपुलेशन है और उनमें आप अर्धशुमारी बढ़ती जा रही है एक परसेंटेज के हिसाब से। मिसाल के तौर पे मेरे पास अकाउंट में 2 करोड़ रुपए, मैं और मेरे हर महीने मेरे अकाउंट में 2 लाख रुपए ऐड होते हैं, तो मैं आपसे पूछूं कि यार मुझे बताएं कि मेरा मेरे पास 5 करोड़ रुपए कितने महीने बाद होंगे, आप क्या करेंगे, आप 2-2 लाख ऐड करते जाएंगे लूप लगा के और बताएंगे कितने महीने बाद मेरे जो पैसे है ना वो 5 करोड़ के बराबर। एग्जैक्टली यही कॉन्सेप्ट इधर पूछा गया है। अब देखो जब स्टेटमेंट वाले क्वेश्चन आपको मिलते हैं ना तो उसमें कुछ इन्फॉर्मेशन ऐसी होती है जिसका कोई मतलब नहीं होता, वो एवं ही आपको बताने के लिए नहीं होती, तो उसको इग्नोर कर दें। जैसे फर्ज करें ये जो पहली 2 लाइनें हैं ना ये फजूल में लिखी हुई है, ये आपको बता रहा है कि फेसबुक की जो पहले पॉपुलेशन थी वो 2.5 देर आर अप्रोक्सीमेटली 2.5 बिलियन पीपल ऑन इंटरनेट एज ऑफ जनवरी, फेसबुक रीच 1 बिलियन यूजर इन अक्टूबर 2012, डन हो गया। ठीक है ये समझ में आ गई बात, टोटल इंटरनेट पे 2.5 बिलियन है और अभी फेसबुक के पास 1 बिलियन है। अब ये इन्फॉर्मेशन ना भी दे तो भी हमें कोई मतलब गर्द नहीं है, ठीक है ये वैसे ही एक एडिशन है। आपने करना क्या है, आपने ये करना है कि आपने ये देखना है कि फेसबुक जो है ना 2.5 बिलियन पे कब पहुंचेगा। मतलब अगर मैं उर्दू में अगर बताऊं तो अभी फेसबुक की जो पॉपुलेशन 2012 में है वो है कितनी, वो है 1 अरब, 1 बिलियन मतलब 1 अरब। आपने बताना है कि इसकी फेसबुक की जो आदमशुमारी है या फेसबुक के जो यूजर है वो 2.5 डॉलर कब होंगे और 2.5 अरब कब होंगे, ठीक है 2.5 अरब कब बनेंगे वो। अब आपने करना क्या है, आपने क्या करना है, फेसबुक की आदमशुमारी जो है ना या फेसबुक के जो यूजर्स है ना वो इस परसेंटेज से बढ़ाते जाना है और आपने चेक करना है कि अगर 2% के हिसाब से बने तो कितने महीने बाद इसके जो है ना वो फेसबुक जो है वो पहुंच जाएगा 2.5 बिलियन पे। 2% मतलब क्या होता है, अगर आपके टोटल परसेंटेज है आपके पास टोटल 1 अरब थे तो 1 अरब का 2% होता है 2 करोड़, ठीक है तो उसमें 2 करोड़ ऐड करेंगे, मतलब पहले महीने में आपके पास 1 अरब 2 करोड़ बन जाएंगे, अगले महीने में फिर आप इसका 2% निकालेंगे और ऐसे निकालते जाएंगे, एक वक्त आएगा इसकी जो पॉपुलेशन है वो आपके पास 2.5 अरब पे पहुंच जाएगी, आप कह देंगे सर ये जो जवाब है इसका इतने मंथ बाद, ये जो रेट है ना ये मंथली रेट है, फिर आप इसको 3% पे ट्राई करके देखेंगे, ये नेस्टेड लूप से आपने करना है, ठीक है ना लूप के ऊपर लूप लगा के करना है, ठीक है ना और फिर 4% के हिसाब से देखना है, मतलब आपने देखना है ये वैसे ही है कि मैं आपको कहूँ मेरे पास अभी 2 करोड़ रुपए हैं और मेरे पास 5 करोड़ रुपए कब होंगे, अगर मेरे पास हर महीने 5 लाख रुपए ऐड हो रहे हैं तो कब होंगे, अगर मेरे पास हर महीने 2 लाख रुपए ऐड हो रहे हैं तो कब होंगे, तो जाहिर सी बात है दोनों 5 लाख से अगर इजाफा हो रहा है तो जल्दी होगा और उसके मंथ तो थोड़े कम होंगे और जो 2 लाख से इजाफा हो रहा है उसके मंथ तो और कम होंगे, तो आपने इन सब के हिसाब से बताना है कि फेसबुक की जो पॉपुलेशन है वो 2.5 बिलियन तक कितने मंथ में चली जाएगी। तो ये क्वेश्चन था जो आपको मैंने पहले भी एक ऐसा मिलता जुलता क्वेश्चन करवाया हुआ था। क्लियर स्टूडेंट्स, ये जरा स्टॉप कर लेते हैं क्योंकि ये आप